हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है और आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो यूट्यूब से पैसा कमाने का आज मैं आपको सबसे बेस्ट तीन तरीका बताने वाला हूं। आप इस तीन तरीके को आसानी से फॉलो कर यूट्यूब से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, इसमें आपको ना ही सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ेगी और ना ही व्यूज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं तो आप आसानी से यूट्यूब से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, जैसे कि आपको पता ही है कि YouTube से पैसा कमाने के लिए मोनेटाइजेशन करना बहुत ही जरूरी होता है, तो लेकिन आज मैं जो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, इसमें आपको मोनेटाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना मोनेटाइज किए चैनल अपने YouTube से पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल पर 100, 200, 300, 400, 1000 जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके जरिए आप अपने YouTube चैनल से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी चैनल नया है और आपके चैनल पर अभी 500, 1000 या 100, 150 भी आते हैं, तो इसके बावजूद भी आप अपने YouTube चैनल से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तीन सबसे बेस्ट तरीके बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपने YouTube चैनल से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआती समय में थोड़ा बहुत भी अगर हमें अर्निंग मिलती रहती है तो वीडियो बनाने में हमें कुछ मोटिवेट मिलता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने शुरुआती समय में कुछ YouTube से महीने के 4000, 5000, 6000 अर्निंग करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से YouTube से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन सभी बेस्ट तरीकों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप YouTube पर से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको उन सभी तरीकों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पहला तरीका फ्रेंड्स है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं और इससे पैसे कैसे कमाते हैं, तो फ्रेंड्स यह सबसे बेस्ट तरीका होता है। जो भी अभी YouTube पर जितने सारे क्रिएटर हैं, वे एफिलिएट मार्केटिंग जरूर करते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग से आप जितनी कमाई कर लेंगे उतनी आप गूगल एडसेंस से भी नहीं कर सकते हैं। यकीन करिए, अभी एफिलिएट मार्केटिंग करके बहुत सारे यूट्यूबर लाखों महीने के अर्निंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल से एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पर ज्वाइन करना होगा और उन पर आपको अपना एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो फ्रेंड्स, एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना है जो कि आपको लगे कि आपके व्यूअर उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करना होता है, हमें अमेजन पर सबसे पहले अपना एक एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट ओपन करना है और वहां से एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और उस प्रोडक्ट के ऊपर ही एक स्पेसिफिक वीडियो हमें बनाना होता है और उस वीडियो को अच्छे से अपने वीडियो में दिखाना होता है और एक्सप्लेन करना होता है, उसके बारे में बताना होता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं। तो कुछ इस तरह की जानकारी आपको अपने व्यूअर के साथ शेयर करनी होती है और प्रोडक्ट का जो एफिलिएट लिंक होता है उसे अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर देना होता है। उसके बाद जैसे ही आपके व्यूअर आपके प्रोडक्ट वाले वीडियो को देखते हैं और उसे खरीदने के लिए आपके लिंक से क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको उस पर कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके व्यूअर आपके लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको उस पर 5-10% का कमीशन मिलता है। मतलब मान लीजिए, अगर आपने कोई प्रोडक्ट का रिव्यू किया है और अमेजन पर उसकी प्राइस 1000 रुपये है तो उस पर आपको आसानी से 150-200 रुपये मिल जाते हैं, अगर एक कोई खरीदता है तो वैसे ही अगर आपके चैनल पर उस प्रोडक्ट को कोई 10 जने भी खरीद लेता है तो आपको 1000 रुपये की इनकम हो जाएगी। तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करके कितने सारे रुपए छाप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब से अर्निंग करने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आपको सब्सक्राइबर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपको देखना है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है कि नहीं। आप बस अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करके और अच्छे खासे प्रोडक्ट का वीडियो बनाकर एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको दूसरे तरीके के बारे में बताऊं कि दूसरा जो बेस्ट तरीका है, इससे आप कैसे यूट्यूब से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा तरीका है, इसमें आप प्ले स्टोर पर से कुछ ऐसे एप्लीकेशन को सर्च करना है जो कि
मनी अर्निंग ऐप होते हैं, इन ऐप को आपको सिलेक्ट करना है और उसमें आपको रेफरल कोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको उस ऐप के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाना है यूट्यूब पर और अपने व्यूअर को अच्छे से बताना है कि इस ऐप से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि मैंने ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप लिंक से इस ऐप को साइन अप करें। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा आपके व्यूअर करते हैं और आप एक किसी स्पेसिफिक ऐप के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो जब भी आपके व्यूअर उस वीडियो को देखकर ऐप को आपके लिंक से ज्वाइन करेंगे, तो इससे आप दोनों को फायदा होगा। इससे आपको भी कुछ कमीशन मिलता है और आपके व्यूअर जब आपके लिंक से उस ऐप को ज्वाइन करेंगे तो उन्हें भी कुछ रुपए मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी ऐप को रेफर करके पैसा कमाने का। आप ऐसे ऐप को रेफर करके आराम से 10 से 15,000 रुपए एक ऐप से कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल एप्लीकेशन आपको ऐसे बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने व्यूअर के साथ रेफर करके पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे ही बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ जिसमें आपको रेफरल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो पहला एप्लीकेशन है, आप रोजधन ऐप का यूज कर सकते हैं, विंजो ऐप का यूज कर सकते हैं, इसके बाद गेमजी ऐप का यूज कर सकते हैं, मीसो ऐप का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपको बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर अपने व्यूअर के साथ शेयर करके अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको तीसरे वे के बारे में बताता हूँ जिससे कि आप यूट्यूब पर अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा तरीका है स्पॉन्सरशिप का है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे कि हमारे चैनल पर तो व्यू नहीं आते हैं, हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइबर नहीं है, तो हमें स्पॉन्सरशिप कौन देगा। ऐसे बहुत से छोटे क्रिएटर हैं जो कि सोचते हैं कि छोटे चैनलों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, स्पॉन्सरशिप सभी को मिलता है, बस आपकी वीडियो में क्वालिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर एक क्वालिटी वीडियो बनाते हैं तो आपको जरूर कंपनी कॉन्टेक्ट करती है और आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, स्पॉन्सरशिप लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, यूट्यूब चैनल में जो अबाउट का सेक्शन होता है वहां पर आपको अपना एक बिजनेस मेल ऐड करना होता है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपने चैनल का मेन जो ईमेल आईडी होता है उसे लिंक नहीं करना है। आप यहां पर एक अपना एक अलग से बिजनेस मेल बनाएं और उसे अपने अबाउट सेक्शन में ऐड करें। और इसके बाद क्या होता है, जितने भी नए कंपनी या ब्रांड होती है वे आपको कॉन्टेक्ट करेगी, वे छोटे मोटे जो क्रिएटर होते हैं उन्हीं को टारगेट करती है और उनसे ही अपने ब्रांड प्रमोशन करवाती है। तो ऐसे में जो छोटे क्रिएटर होते हैं उनको इसकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाती है और उन्हें बहुत सारे ब्रांड प्रमोशन करने के ऑफर मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में अपना एक बिजनेस मेल ऐड कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, जब आपको कोई ब्रांड आपसे कॉन्टेक्ट करेगी तो आपको उनके ब्रांड के बारे में एक अच्छा से वीडियो बनाना है और उनके बारे में अच्छे से बताना होता है, और इसके बदले में आपको कंपनी पैसे देती है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे चैनल पर जो व्यू आते हैं उनके हिसाब से हम कंपनी को कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके चैनल पर 100 से 500 व्यू आते हैं तो आप कंपनी को बोले कि 1,000 रुपए हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, कंपनी इसमें क्या करती है, कभी कभार हाँ कर देती है और कभी कभार ना करती है, आपको मना कर देती है। तो आप उन्हें फिर से रिप्लाई करें और प्लीज रिप्लाई मी बोल के उन्हें मेल करें, और उसके बाद उन्हें आप लास्ट एंड फाइनल अपना अमाउंट बताएं। आप बोले कि हम 800 रुपए में आपका स्पॉन्सरशिप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है, कंपनी आपसे मान जाती है और आप उनसे भी पूछे कि आप हमें कितना देना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें करके कंपनी के साथ डील कर लेनी है। इसके अलावा कंपनी को मनाने का एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपसे जब भी कोई कंपनी कॉन्टेक्ट करे तो आप उनसे कहे कि मुझे आपका ब्रांड या एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा लगता है और मैं चाह रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन के बारे में मेरे व्यूअर्स को भी पता चले और मैं आपके एप्लीकेशन को प्रोमोट करना चाहता हूँ, प्रमोशन देना चाहता हूँ। तो इससे कंपनी को भी अच्छा लगता है और कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे देती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरह से आप बातें करके किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जितने भी
ट्रिक बताई है यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, इसमें आपको सब्सक्राइबर बेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके चैनल पर 100, 200, 500, 1000, 1500 जितने भी सब्सक्राइबर है, आप उनके जरिए अपने यूट्यूब से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको ज़रूर कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको पता चला है कि आप कैसे यूट्यूब से अपने शुरुआती समय में अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे अच्छा जो मैंने आपको पहला तरीका बताया एफिलिएट मार्केटिंग का, तो यूट्यूब से अच्छा अर्निंग करने का यही एक तरीका होता है। इसमें आपको किसी के पास जाना नहीं है, बस आपको अपना एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर, और वहां से किसी भी प्रोडक्ट को चूज करना है और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देना है, और इससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मैंने भी अपने YouTube के शुरुआती समय में एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाया था। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे एफिलिएट के वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए मैं अपने छोटे यूट्यूब भाइयों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिनसे उन्हें भी पता चले कि आप कैसे यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे YouTube चैनल पर अभी सब्सक्राइबर बेस उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं YouTube से पर मंथ 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये में अर्निंग कर लेता हूँ ऐप के बारे में बताकर, एफिलिएट मार्केटिंग करके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है शुरुआती समय में YouTube से अर्निंग करने का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।